ऐसा क्या उन्होंने सोचा कि उनकी पार्टी सबसे बड़ी पार्टी होने के बावजूद भी जो उन्होंने 2019 में नहीं किया आपको मुख्यमंत्री बना दिया? क्या कभी आपको कब पता चला कि आप मुख्यमंत्री बनने वाले? क्या हमारे जैसे ही आपको भी अचानक पता चला, हम जैसे शॉक में हो गए कि अरे ये तो कुछ अलग ही हो गया? क्या उसी तरीके से आपको भी पता चला या आपको पहले से पता था? मैं पहले भी कहा है कि कुछ बनने के लिए या कुछ पाने के लिए मैंने ये कदम नहीं उठाया। ठीक, हमारे जब विधायक इतनी चिंतित थे, क्रोधित थे और नाराज थे, तो मुझे कदम उठाना पड़ा। और इसमें आपको मैं बताऊंगा कि जो मैं कदम उठाया है वो छोटा मोटा कदम नहीं था। जो हिम्मत मैंने दिखाई है, जो क्या बोलते हैं, जो उन्होंने सोचा होगा, कहा जो ये हिम्मत वाला आदमी दिखता है, ये लड़ाकू आदमी है, ये महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री इसको बनाते, इसमें मैं धन्यवाद दूंगा आदरणीय मोदी जी को, जो हमारे देश के प्रधानमंत्री है। उन्होंने अपने देश की डंका जो है, अपने देश का नाम जो है पूरी दुनिया में रोशन करने का काम किया है उन्होंने, और गृह मंत्री अमित भाई ने, और उसमें हमारे भारतीय जनता पक्ष के जो पार्टी के अध्यक्ष है नड्डा जी है, देवेंद्र जी है, इनका सबका सहयोग है। बीजेपी तो कहती है कि दिल पे पत्थर रख के हमने ये निर्णय लिया है, आपने सुना होगा चंद्रकांत पाटिल बीजेपी के अध्यक्ष, उनका दूसरा बयान आपने नहीं सुना? फिर उन्होंने दूसरा बयान भी दिया, बदल दिया बयान, बदल दिया नहीं, दुरुस्त किया होगा, दुरुस्त किया। लेकिन देखो, भारतीय जनता पार्टी में जो वरिष्ठ नेता होते हैं उनका निर्णय अंतिम होता है, और सोच समझ के उन्होंने निर्णय लिया, मुझे मौका दिया है, अच्छा काम कर रहे हैं हम लोग, इस राज्य को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं, इसलिए उन्होंने सोचा होगा। लेकिन अब भी हम देख रहे हैं कि जो बड़े पोर्टफोलियोज हैं, होम फाइनेंस, हाउसिंग, पावर या ऊर्जा, ये बड़े पोर्टफोलियोज डिप्टी चीफ मिनिस्टर के हाथ में है। क्या आपको लगता है कि शिवसेना को तोड़ने के लिए आप पर बीजेपी ने आपको आगे किया है कि आप लड़िए, उद्धव ठाकरे के साथ लड़िए और हम सरकार चलाने की कोशिश करते हैं, क्या इसके लिए? देखिए, अगर आपके क्रिटिक्स कहते हैं कि इसके नहीं, लिए किया, बिल्कुल उनको ऐसा जो लोग एंटिसिपेट कर रहे थे, लोग पब्लिक परसेप्शन जो था कि अभी बीजेपी मुख्यमंत्री बीजेपी का बनाने के लिए तोड़फोड़ कर रही है, लेकिन परसेप्शन देखा लोगों ने कैसे रखा था, हुआ क्या? बिल्कुल खिलाफ हो गया ना। और अगर वो चाहते तो उसी टाइम मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी का बनता। हमारा देवेंद्र जी और हमारे बहुत अच्छा एक विजन है, अच्छा ट्यूनिंग है, बिल्कुल ट्यूनिंग अच्छा है, क्योंकि मैंने पहले भी उनके साथ काम किया है, वो एकदम 5 साल का उनको मुख्यमंत्री के रूप में उन्होंने काम किया, अच्छा एक्सपीरियंस है और उनके अनुभव का फायदा आज हमें हो रहा है तो ये सरकार चलाने में। तो ये डबल इंजन की सरकार है या ट्रिपल इंजन की सरकार? आप भी है, देवेंद्र जी भी है। अभी बिल्कुल डबल भी है और दिल्ली भी साथ में है, सपोर्ट कर रही है। देखिए, जो है सच है, सच बोलने का मुझे बिल्कुल एतराज नहीं होता। हमारे शिवसेना प्रमुख जी बाला साहब ने वही सिखाया है, जो सच है सच बिंदास बोलो और कोई हिचकिचाओ मत। नहीं, लेकिन बाला साहब की लेगेसी क्लेम कौन करेगा? उद्धव ठाकरे कह रहे हैं कि जो इन विधायकों ने आपके साथ किया हुआ है आपको वो खोखे सरकार कहते हैं। खोखा यानी 1 करोड़ है, यानी 50 करोड़ की सरकार आपको कहा जाता है। बार बार आप पर ताना कसा जा रहा है कि आप गद्दार हैं और आपका इस्तेमाल खत्म होने के बाद बीजेपी आपको छोड़ देगी, ये बार बार उद्धव ठाकरे आप पर आरोप लगा रहे हैं। आप किस तरीके से उस आरोप को देखते हैं? उनके पास दूसरा क्या है बोलने के लिए? दो ही तो है, खोखे और गद्दार। लेकिन हम लोग वफादार है, हम लोग ने क्रांति की हुई है, ये बहुत बड़ा रिवॉल्ट है। और दूसरी बात, क्यों हुआ खोखे पैसे देके 2-5-10 लोगों को फोड़ सकते हैं, तोड़ सकते हैं? 50 लोग, 50 लोग अगर एक साथ एक भूमिका लेते हैं और एक तरफ चले जाते हैं तो उसमें गलती किसकी है खोजने के बजाय ये आरोप लगाने का कारण, क्योंकि उनके पास, उनको पता है, वो कैसे बोल सकते हैं कि मेरी गलती है, मैंने गलती सुधारी नहीं, ऐसा कोई कबूल कर सकता है? नहीं कर सकता है। और इसीलिए जो गलती हुई है वो खुद आत्म परीक्षण करना चाहिए। ये 50 लोग क्यों ऐसी भूमिका लिए जो सत्ता में थे, ये सत्ता को छोड़कर त्याग कर चले गए, तब हमको थोड़ी पता था क्या होने वाला है। लोग तो अनुमान लगा रहे थे, अभी तो उनके शहीद हो जाएंगे सब लोग। आप तो बीजेपी में चले जाएंगे कहा जा रहा था, वो तो कह रहे थे ना, तो ऐसे भी कह रहे थे कि बीजेपी का मुख्यमंत्री बनेगा, तो कहा हुआ?
इसीलिए लोग जो कह रहे थे, लोग जो बता रहे थे, क्या क्या बोल रहे थे हमारे के लिए, ये होगा वो होगा, क्या वो हम लोगों ने हमारी बाड़ा साहब की जो विचारधारा है उसे आगे बढ़ाया है, बिल्कुल उससे हम यहां वहां नहीं हटे। लेकिन वो जो तो, लोग वो, चाहते थे वही हमने किया है। सर, वो तो चुनाव में पता चल जाएगा ना कि कौन बाला साहब की लेगेसी आगे बढ़ा। बताया ना अभी ग्राम पंचायत में लोगों ने बता दिया ना, बीजेपी का तो 397 आया और हमारा शिवसेना मतलब बाला साहब की शिवसेना जो है 277 आया, फर्स्ट और सेकंड नंबर, क्या और भी आगे देखेंगे।